नैब ने जाली डिग्री होल्डर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया है। हेले कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हसन मुबीन आलम की तकरीर का रिकॉर्ड तलब किया गया है और इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। मजीद जानते हैं मोहम्मद सकलैन जावेद से। बताइए मोहम्मद सकलैन जावेद। नैब की तरफ से जाली डिग्री होल्डर्स के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इसी सिलसिले में रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी से हेले कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर हसन मुबीन आलम का भी तालीमी रिकॉर्ड और पर्सनल रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। इसी सिलसिले में नैब की तरफ से 25 दिसंबर को एक लेटर तहरीर किया गया था, जिसमें कहा गया कि डॉक्टर हसन मुबीन आलम की पर्सनल फाइल, उसकी तकरीरी की फाइल, इसके अलावा सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से उनकी तकरीरी के हवाले से जो रिज़ल्ट शीट तैयार की गई वो भी, और उसके अलावा उनकी तकरीरी के हवाले से फ़ान एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पेश की जाएँ। ताहम एक माह गुजरने के बावजूद अभी तक ये रिकॉर्ड नैब को प्रोवाइड नहीं किया गया, जिस पर मुतवक्को है कि एक या दो रोज़ में रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी को नैब ऑफिस तलब किया जा सकता है। डॉक्टर हसन मुबीन आलम के बारे में मुबैना तौर पर बताया जाता है कि उनकी डिग्री जाली है और उन्होंने 2009 में एमफिल करने के लिए एनओसी लिया था। ताहम दो साल बाद ही एमफिल की बजाय उन्होंने पीएचडी की डिग्री यूनिवर्सिटी में पेश कर दी थी, जिस पर उनके खिलाफ तहकीकात की जा रही है।